हुआ है यहाँ पर, क्या घटना हो रही है बता। सर यहाँ पे अचानक से आ गए नोटिस लेके कि हमको घर खाली करवाना है, क्योंकि ये घर किसी और ने खरीद लिया है। जो मकान मालिक है उन्होंने हमसे बात नहीं की और हमें भी कोई इसकी जानकारी नहीं है, और अचानक से आ गए। हम लोग को यहाँ 70 साल हो गए कम से कम, हमारी 4 पीढ़ी निकल गई। मैं दादा, परदादा, मैं दादी, हमारे पापा, हमारे बड़े पापा, वो देखो उनकी उम्र देख लो अभी होंगी, वो यहीं पैदा हुए हैं, उनकी उम्र देख लीजिए कितनी साल है। अभी आपको कोई नोटिस दिया गया है? कुछ नहीं दिया गया भैया। यहाँ पर कार्यवाही करने कौन आया? कोई नहीं, वकील और ये पुलिस वाले हैं बस यहाँ पे, और कुछ नहीं। तहसीलदार भी हमसे बात नहीं किए, सिर्फ उनसे बात करके चाय नाश्ता करके वहीं के वहीं चले गए। कोई नोटिस नहीं दिया गया भैया, सिर्फ आके और जेसीबी बुला के सामान फेंकना स्टार्ट कर दिए। प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको आपने कुछ दस्तावेज दिखाए? हम लोग नहीं दिखाए, किराए के पूरी रसीदें दिखाए हैं, पूरी रसीद। बोलते किराए से क्या होता है, किराए घर है ना, आप खाली कर दीजिए बोलते। ये बोलते हैं ये हेलमेट का बोले, इतने सारे चालान हेलमेट का होता है क्या आप बताइए? जो साल साल में भरा जाता है वो हेलमेट का चालान होता है कि इतना सारा? तो अगला ले भी तो रहा है ना हमसे, क्यों ले रहे जब आपको बेच दिया तो किराया ना ले हमसे भाई, क्यों ले रहा है किराया? हमारा किराया भी ले रहा है, घर भी बेच दिया वो 1.5 साल पहले, हमको कुछ जानकारी नहीं है। वो क्या चाहता है कि घर का भी ले ले, किराए का भी ले ले, जो बच्चा हुआ है 2 महीने नहीं हुए भैया उनको, हम लोग कैसे कहाँ जाएंगे? पेपर चल रहे हैं, थोड़ा सा समय होता है ना कि कुछ देने का। जब मकान मालिक बेच रहा था तो किराएदारों को बताया, किराया क्यों ले रहा? लेकिन 1 महीने का समय चाहिए, हाँ, क्योंकि यहाँ पे मकान मालिक उनसे बात करें जिनको बेचा। हमें इस चीज में मालूम नहीं है कि किसको बेचा किसको नहीं बेचा। मकान मालिक किला रहे हैं, जिस व्यक्ति ने खरीदा वो आके यहाँ जबरदस्ती कर रहा, गुंडागर्दी बता रहा। मकान मालिक बात करे हमसे, हम मकान मालिक से बात करेंगे, अगले व्यक्ति को तो हम जानते नहीं है। जिस मकान किराया दे रहे हम उससे बात करेंगे ना, वो हमसे आके बोले कि बेटा घर खाली कर दो, हम कर देंगे, टाइम तो दे। मेरा नाम रश्मि सिंह है। खाली करने का जो विवाद अभी चल रहा है क्या है इसमें? एक्चुअली ये था कि ये बहुत समय से यहाँ किराए से रह रहे थे, फिर इनको कई बार नोटिस दिया गया कि आप मकान खाली कर दीजिए, क्योंकि ये मकान पूर्व में ही सेल हो चुका है। तो आज दिनांक को इनको कब्जा खाली कराने का आदेश लेके हम लोग आए थे, तो इनके परिवार वाले विवाद करने लगे कि हम कब्जा नहीं खाली करेंगे, हम आत्मदाह कर लेंगे, और ऐसे इनने प्रशासन पे भी हमला किया, मिर्ची पे की, पेट्रोल पे का, और उसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। अब आगे की कार्रवाई के लिए इनको 3 दिन का समय दिया गया है, 3 दिन के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। इनका जो आरोप है कि इन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया है, ये गलत आरोप है, ये निराधार बोल रहे हैंगे। इनको सब कुछ इनके सामने पंचनामा हुआ है, पूरे नोटिस दिए गए हैंगे, इनको कई बार सूचित किया गया, इन्हें इस विषय में केस भी लगाया था, जो केस ये हार चुके हैंगे, उसके बाद भी ये विवाद की स्थिति सुप्रीम कोर्ट से ये केस हार चुके हैं, उसके बाद भी ये विवाद की स्थिति निर्मित कर रहे हैं। भाई साहब इन्होंने कहा है कि मकान मालिक को किराया देते हैं, तो जी मकान मालिक आकर के बात करें हमसे। 2019 के बाद से इनने कोई किराया नहीं दिया है, और मकान मालिक ने इनको पूर्व में सूचित कर दिया था कि ये मकान मैं बेच रहा हूँ, अब आपका किराया नहीं चाहिए मुझे और ये खाली कर दीझिए। आपका नाम बताइए? एडवोकेट निशांत झा। यहाँ पर पुलिस का महकमा नगर निगम के साथ खड़ा हुआ है, क्या हुआ है? तहसीलदार रांची के आदेश के पालन में कब्जा सुपुर्द करवाने हेतु यहाँ पुलिस सुरक्षा तैनात हुई थी, जिसके समय में तहसीलदार साहब द्वारा समय दिया गया है कब्जा सौंपने बाबत। क्या जमीनी विवाद है कि कोर्ट से कोई आदेश आया ऐसे खाली कराने? ये कोर्ट का आदेश है, कोर्ट के आदेश के पालन में पुलिस यहाँ सुरक्षा से उपस्थित हुई है। नेक्स्ट टाइम जब तहसीलदार साहब का डेट बढ़ाए हैं उस समय फिर हम साथ में उपस्थित होंगे। अभी कितने दिन का समय दिया गया? अभी आदेश आ जाएगा तहसीलदार साहब का, तो रिटर्न में फिर बताएंगे।